chapter is areas of parallelogram and triangles. This is your 9th chapter. In this chapter, we will study about parallelogram and triangles. Firstly, हमने जो previous chapter में पढ़ा था in lines and angles and in triangles. सबसे पहले तो lines and angles में हमने अपने जो different types of angles और different types of lines उनसे related questions किए थे. ठीक है, वहाँ पे हमारे जो properties use हुई थी related to angles. And in triangles we have congruent, we have criteria how to congruent two triangles. तो यहाँ पे अब बात आ गई है areas की, areas of parallelogram and triangles. तो start करते हैं congruent से ही. टू फिगर्स को हम congruent तभी कहते हैं, ठीक है, when they have equal shape and equal size. जब हमारे पास दोनों फिगर्स की शेप सेम हो, साइज सेम हो, तब हम उन्हें congruent कहते हैं. बट यहाँ पे अब बात आ रही है एरियाज की. बट उससे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स. फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैलर्स लाइन. यहाँ पे लाइन आएगा. ओके, सो हियर यू कैन सी कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हैं. हमें उन फिगर्स को देखना है जिनका बेस जो है वो सेम हो, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैलर्स लाइन. तो यहाँ अगर मैं फर्स्ट फिगर की बात करूँ, वी हैव ट्रैपीजियम एंड ए पैलोग्राम ऑन द सेम बेस. बेस दोनों का सेम है, ए बी. दोनों ही फिगर्स जो हैं ट्रैपीजियम एंड पैलोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस. बेस दोनों का सेम है बट दे आर नॉट बिटवीन द सेम पैलर लाइन्स. ये दोनों फिगर्स सेम पैलर लाइन्स के बीच में नहीं हैं. तो आप खुद ही देख सकते हैं, अगर इसके पैलर लाइन अगर मैं ये लेती हूँ तो ये पैलोग्राम हमारा तो बीच में ही रह जा रहा है. डैट मीन्स दे आर नॉट लाइंग बिटवीन द सेम पैलर्स लाइन. सिमिलरली सेकेंड पार्ट में भी हम ये देख रहे हैं, दोनों पैलोग्राम के बेस सेम हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट लाइंग बिटवीन द सेम पैलर लाइन. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्टली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जान लें कि बेस सेम एंड बिटवीन द सेम पैलर लाइन्स, कि क्या ये दोनों फिगर्स, दोनों जो फिगर्स हैं बेस सेम है इनका, क्या ये दोनों सेम पैलर लाइन्स के बीच में हैं, ये हम यहाँ से सीखेंगे. अगर आप सेकेंड फिगर की बात करें तो दोनों जो हैं पैलोग्राम, बेस तो दोनों का सेम है, ए बी के ऊपर बन रहे हैं दोनों, बट पैलर लाइन्स के बीच में नहीं है. ये कहाँ रह गया, ये बीच में ही रह गया. और ये देखिए कहाँ है, दोनों अलग अलग हैं. इसी तरह अगर आप थर्ड देखिए, बेस सेम है दोनों ट्राइंगल्स का, पर दोनों ट्राइंगल्स सेम पैलर लाइन्स के बीच में नहीं है. दूसरा ट्राइंगल अगर इस लाइन में तक जाता हमारा इस तरह से, तब हम कह सकते कि दोनों के बेस भी सेम हैं और दोनों ट्राइंगल्स लाइंग ऑन बिटवीन द सेम पैलर लाइन्स. सिमिलरली फोर्थ फिगर, एक पैलोग्राम है, एक आपका ट्राइंगल है, बेस सेम है बट नॉट इन द बिटवीन द सेम पैलर लाइन्स. तो यहाँ पे जो हमारा ये फोर फिगर्स हैं, बेस तो सभी का सेम है बट दे आर नॉट लाइंग बिटवीन द सेम पैलर लाइन्स. इसी तरह नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे इन फिगर्स की बात करूँ, सभी की सभी यहाँ पे जो फिगर्स दी गई हैं सभी का बेस भी सेम है और दे आर लाइंग बिटवीन द सेम पैलर लाइन्स. बेस सेम है, दोनों पैलोग्राम का एक ट्रैपीजियम है और एक पैलोग्राम है, बेस आपका सेम है, ठीक है. दोनों जो हैं ट्रैपीजियम और पैलोग्राम लाइंग ऑन
द सेम पैरेलल लाइंस, दोनों जो हैं पैरेलल लाइंस के बीच में ही हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्रैपीजियम ये है पैलोग्राम, ये भी आपका क्या आ गया, पैलोग्राम आ गया, ठीक है। अगर आप इस शेप की बात करें, ठीक है, दिस इज़ अ ट्रैपीजियम, बट यहाँ पे ये एक फिगर है, डैट इज़ पैलोग्राम, एंड द सेकेंड वन इज़ दिस। दोनों पैलोग्राम हैं, बेस सेम है, दोनों क्या हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं। ये भी ये पैलोग्राम भी आपका इस लाइन के ऊपर ही रह रहा है। सिमिलरली दूसरा जो पैलोग्राम है वो भी इसी लाइन के ऊपर ही आ रहा है, तो डैट मीन्स दे आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। सिमिलरली यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स बेस सेम है, एक ही बेस के ऊपर दोनों ट्राइंगल्स बन रहे हैं। और बात की जाए ट्राइंगल्स की कि दे आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो वो भी यहाँ पे है, दोनों जो हैं ट्राइंगल्स ऑन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखें, दिस इज योर ट्रैपीजियम एंड दिस इज योर ट्राइंगल, ठीक है, बेस सेम है और एक ही पैरेलल लाइन के ऊपर हैं दोनों। तो यहाँ पे ये सारी फिगर्स जो हैं दे आर द एग्जांपल ऑफ सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो चलिए आगे इन्हीं से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स पढ़ते हैं। पैलोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाई है उसमें आप दो पैलोग्राम देख रहे हैं। फर्स्टली दिस ए बी सी डी, सेकेंड वन इज ई एफ डी सी, ई एफ डी सी। तो क्या ये दोनों पैलोग्राम्स ऑन द सेम बेस, दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं? यस, बोथ द पैलोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस सी डी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। दोनों के अगर आप ऑपोजिट वर्टिसेस देखिए तो वो क्या है, एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। जब आपने ये पता करना है कि वो दोनों फिगर्स बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो सबसे पहले तो बेस चेक कर लीजिए, बेस अगर सेम है, उसके बाद बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस चेक करने के लिए आपने ये देखना है कि बेस के ऑपोजिट जो जितने भी वर्टिसेस हैं क्या वो एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं, दैट मीन्स दे आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इज पैलोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैलर्स आर इक्वल इन एरिया। तो यहाँ पे ये जो थ्योरम है ये रिजल्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कि पैलोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैलर्स, यहाँ पे दो पैलोग्राम्स की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे दो पैलोग्राम्स आप क्लियरली इस फिगर में देख रहे हैं, बेस सेम है, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, बेस के ऑपोजिट अगर आप सारे वर्टिसेस देख रहे हैं, पॉइंट्स देख रहे हैं, ए ई बी एफ एक ही लाइन के ऊपर है, डैट मीन्स पैलोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैलर्स आर इक्वल इन एरिया। वो कह रहे हैं इन दोनों पैलोग्राम का एरिया इक्वल है, तो हम ये शो करेंगे इस थ्योरम में, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है डैट इज ए बी सी डी एंड ई एफ, ई एफ सी डी, व्हाट इज दिस, ई एफ सी डी आर टू पैलोग्राम्स। ये दोनों क्या हैं, हमारे
पैलोग्राम्स हैं, ओके, एंड वी हैव टू प्रूव. क्या प्रूव करना है हमने यहाँ पे? दैट द एरिया ऑफ वन पैलोग्राम इज इक्वल टू सेकेंड पैलोग्राम, दैट इज एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी. ये हम यहाँ प्रूव करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ. तो क्यों ना एक फिगर यहाँ पे भी बना लीजिए, ताकि बार बार हमें पीछे जाने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है? Okay, so this is ready. This is A, B, C, D. This is C, D, E, F. So here I'm going to prove that the area of parallelogram A, B, C, D is equal to the area of parallelogram E, F, C, D. Because they have the same base and they are lying between the same parallel lines. So here, firstly, I am taking both the triangles. In triangle AEC and BFD, dono triangles maine yahan pe le liye, AEC and BFD, and I am going to prove both the triangles are congruent. ठीक है, मैं यहाँ पे ये प्रूव करने जा रही हूँ कि दोनों जो ट्रायंगल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, बी एफ डी ए ई सी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो यहाँ इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, फर्स्टली हियर आई एम टेकिंग एंगल सी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी बी एफ. दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं बिकॉज ए बी सी डी, दिस इज ए पैलोग्राम एंड द ओपोजिट साइज ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल एंड पैलर. दैट मीन्स ए सी इज पैलर टू बी डी. इसका मतलब यही है कि ए सी बी डी के पैलर है. एंड हियर ए एफ, दिस लाइन इज ए ट्रांसवर्सल. सो हियर this angle and this making a corresponding angles, and we know that when two parallel lines are intersected by a transversal, the corresponding angles are equal. तो यहाँ पर आपका जो angle A है और angle B है, ये equal होते हैं because they are corresponding angles. आप reason लिखेंगे यहाँ पर. Similarly, angle E and angle F, they are also making corresponding angles. So we can write angle A E C is equal to angle B F D. And the reason same, corresponding angles. Okay, now you can see in both the triangles, two angles are equal to the other two angles of the other triangle, that is BFD. That means इस triangle के जो दोनों angles हैं उसको हमने equal लिख दिया है बाकी दो angles of other triangle, जो हमारा दूसरा triangle है उसके दोनों angle के equal हमने इन angles को लिख दिया है. तो देखिए, अगर हमारे पास दो triangles हैं, ठीक है, जिसके दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं,
इक्वल हैं, कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑब्वियसली थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, बिकॉज द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है और ये दूसरा एंगल उस ट्राइंगल के दूसरे एंगल के इक्वल है, डैट मीन्स आपका जो थर्ड एंगल होगा वो भी क्या होगा, वो भी इक्वल ही होगा. सो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ कि जब हमने एंगल ए को एंगल बी के इक्वल लिख दिया है, एंगल ई को एंगल एफ के इक्वल लिख दिया है, सो ऑब्वियसली आपका जो थर्ड एंगल है एंगल सी एंड एंगल डी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो यहाँ पे लिख रहे हैं एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल बी डी एफ एंड द रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी. तीनों एंगल मैंने यहाँ पे लिखे हैं इक्वल, बट मुझे साइड चाहिए, ठीक है, बिकॉज अभी तक हमने क्राइटेरिया जो पढ़े थे उसमें मैंने ये क्राइटेरिया अभी तक नहीं पढ़ा कि मेरे पास तीनों ही जो चीज़ें हों वो सारे के सारे एंगल्स हों. तो अब मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये एंगल मुझे मिल चुका है, ये भी एंगल मुझे मिल चुका है. अगर एक साइड मिल जाए तो मैं साइड एंगल क्राइटेरिया यूज़ करके इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दूँ. तो मैंने देखा कि अगर आप साइड देखें ए सी और बी डी, दीज आर दी साइड्स ऑफ द पैलोग्राम डैट इज ऑपोजिट. ऑपोजिट साइज ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल एंड पैलो. सो हियर ए सी इज इक्वल टू बी डी. ए सी को मैंने बी डी के इक्वल लिख दिया बिकॉज ऑपोजिट साइज ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल. ओके, तो देखिए ये एंगल मैं इक्वल कर चुकी हूँ, ये एंगल मैंने इक्वल कर दिया है, ये साइड मैंने इक्वल कर दी है. सो यू कैन सी साइड इज इंक्लूडेड, दैट मीन्स दोनों एंगल्स के बीच में है. सो हियर आई एम यूजिंग एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रेंसी ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं, उन दोनों एंगल्स के साथ ही साथ ये साइड भी इक्वल है, ठीक है. तो कौन कौन से एंगल्स की मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, एक किस एंगल की, एक सी की और ये की साइड की. तो यहाँ पे आप इनको इक्वेशन दे सकते हैं, इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू एंड द लास्ट वन इज इक्वेशन थ्री. अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमने इन्हीं को इक्वेशन देनी थी तो इन दोनों एंगल्स को इक्वल क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे इन एंगल्स को इक्वल करने का मोटिव ये था कि बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन एंगल्स को भी इक्वल कर दूँ. एंगल सम प्रॉपर्टी तभी यूज होती जब ये दोनों एंगल्स भी इन दोनों एंगल के इक्वल होते. सो डैट मीन्स अगर ये एंगल इक्वल होता, ठीक है, इसको इस एंगल को इक्वल लिखते तभी हम एंगल सी को एंगल डी के इक्वल लिख पाते बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. सो नाउ सब चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं यहाँ पे, तो क्यों ना डायरेक्टली अब मैं लिखूँ ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल बी एफ डी. ट्राइंगल ए ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ डी एंड द रीजन इज बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. ओके, सो नाउ हियर दोनों ट्राइंगल्स को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है. तो चैप्टर की जो स्टार्टिंग थी वही मैंने कॉन्ग्रुएंट से स्टार्ट की थी बिकॉज कहीं ना कहीं तो ये यूज होना ही है यहाँ. नाउ अब जब मैंने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया है, सो डैट मीन्स दोनों क्या हैं, इनके शेप सेम है, साइज इक्वल है और इनका एरिया इक्वल है. तो मेरा मेन यहाँ पे काम यही था इनको कॉन्ग्रुएंट करना कि मैं इन दोनों के एरिया को इक्वल
कर सकूं. सो हियर आई कैन राइट एरिया ऑफ ए ई सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी एफ डी. अब इसको भी संभाल के रख लेते हैं, कहीं काम में आएगा. सो हियर इक्वेशन 4. नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे पैलोग्राम ले रही हूँ ए बी सी डी. इस पैलोग्राम को मैं यहाँ लेके चल रही हूँ. सो एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया की बात कर रही हूँ मैं कि ए बी सी डी जो है वो किसके इक्वल है. तो अगर आप देखें यहाँ पे ए बी सी डी को अगर मैं तोड़ के लिखूँ तो मुझे यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, दिस वन, और एक ट्रैपीजियम दिख रहा है ई बी डी सी. तो मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ए बी सी डी दैट इज ए पैलोग्राम एंड दैट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ई ए ई सी दिस ट्रायंगल प्लस दिस पैलोग्राम. लिख सकते हैं ये पूरा पैलोग्राम दो पार्ट्स में डिवाइड है और वो दो पार्ट्स कौन से हैं, दिस ट्रायंगल एंड दिस पैलोग्राम. सो एरिया ऑफ ए ई सी प्लस एरिया ऑफ ई बी सी डी. ओके, इस पैलोग्राम को तोड़ के मैंने दो पार्ट्स में लिख दिया बिकॉज मुझे यहाँ पे ये ट्रायंगल चाहिए था. ठीक है, अभी मैं इस ट्रायंगल को ऊपर लिख चुकी हूँ कि ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ बी एफ डी. तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह बी एफ डी, ये ऐसे ही रहेगा. और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4. ओके, तो अब आप देखिए जब आपने इन दोनों को ऐड किया बी एफ डी में, जब आप ई बी सी डी ऐड कर रहे हैं, बी एफ डी कहाँ पे है, ये है. बी एफ डी में जब आपने ऐड किया ई बी सी डी ये चीज, तो देखिए क्या बन रहा है. जब आपने ये ट्रैपीजियम दैट इज ई बी सी डी, इसमें जब आप ऐड कर रहे हैं ये ट्रायंगल, ठीक है, जब आपने इसमें ये ट्रायंगल ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, ई एफ सी डी, इट विल बी ई एफ सी डी. तो यही चीज तो हमने प्रूफ करनी थी, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ई एफ सी डी. दैट मीन्स कि हमने यहां पे शो कर दिया कि अगर दो पैलोग्राम्स हैं, यहाँ पे शायद मैंने ट्रायंगल बोल दिया, दिस इज़ ए पैलोग्राम, कि अगर दो पैलोग्राम्स हैं ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, दैट मींस दे हैविंग द सेम एरिया, उन दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा. तो यही चीज़ हमने यहाँ पे शो करनी थी और वो हमने कर दी. दैट्स वेरी इजी. हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया एंड द मेन मोटिव फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ बोथ द ट्रायंगल इज दैट दे हैविंग द सेम एरिया. इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है. ये संभाल के रख लिया. फर्स्ट पैलोग्राम ए बी सी डी उठाया, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट वन इज वन दिस पार्ट एंड द सेकेंड इज दिस. मैंने इस पैलोग्राम को इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और मैंने ऑलरेडी प्रूव किया है कि एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस. तो ये इस ट्राइंगल की जगह मैं इसे भी ट्राइंगल लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ बी एफ डी. तो जब हमने इन दोनों को ऐड किया इट विल बी ई एफ डी सी. सो हेयर पैलोग्राम्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, उन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा. चलिए नेक्स्ट, दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1.
ABCD is a parallelogram. AE perpendicular to DC and CF perpendicular to AD. If AB is 16 centimeter, here AB is 16 centimeter. AE, this line is equal to 8 centimeter. And CF, this is 10 centimeter. And we have to find AD. तो यहाँ पे हमें एक पैलोग्राम दिया है जिसमें कुछ लाइंस परपेंडिकुलर हैं टू द साइड ऑफ ए पैलोग्राम. तो आप देख सकते हैं, एक तो ये आपकी साइड जो है ए ई डैट इज परपेंडिकुलर टू डी सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर टू ए डी. सो हियर वी हैव टू फाइंड द साइड ए डी. ए डी मुझे फाइंड करनी है. तो यहाँ पे जो मैं यूज़ करूँगी डैट इज द एरिया ऑफ ए पैलोग्राम, जो हम ऑलरेडी अपनी लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं. इन एट क्लास हमने पढ़ा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पैलोग्राम, दैट इज़ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ. एरिया ऑफ पैलोग्राम दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सॉरी दैट इज द ट्राइंगल. पैलोग्राम का एरिया जो है डैट इज बेस इंटू हाइट. ठीक है, पैलोग्राम का जो एरिया होता है डैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ओके, सो हियर अब पैलोग्राम तो मुझे दिया है, अब इसमें बेस क्या है, हाइट क्या है. तो देखिए, अगर हम कोई साइड ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस साइड डी सी, डैट इज़ द बेस. मैंने ये बेस मान लिया. बेस हम कुछ भी ले सकते हैं. बी सी बी भी आपका बेस हो सकता है, ए बी भी आपका बेस हो सकता है, ए डी भी आपका बेस हो सकता है. तो मैं यहाँ पे अगर बेस जो है वो डी सी को ले रही हूँ, ठीक है, डी सी को मैंने मान लिया कि दिस इज़ द बेस. तो यहाँ पे जो हाइट है डैट विल बी ए ई, वो क्या होगी, ए ई होगी. आप सभी को पता है कि हाइट क्या होती है, डैट इज परपेंडिकुलर, डैट मेक्स द 90 डिग्री एंगल, डैट इज़ द हाइट. जो बिल्कुल सीधी होती है, वर्टिकली होती है, उसे हम हाइट कहते हैं. तो अगर मैं साइड डी सी ले रही हूँ तो हाइट भी इसी के ऊपर ही बननी चाहिए. अब बी सी हाइट हम नहीं ले सकते बिकॉज दिस इज नॉट द स्ट्रेट लाइन डैट मेक्स द डैट नॉट मेक द 90 डिग्री एंगल. ठीक है, ये दिस इज नॉट परपेंडिकुलर ऑन द डी सी. साफ हमें यहाँ दिख रहा है ना. मैं यहाँ पे एफ सी ले सकती हूँ. अब आप बोलेंगे कि एफ सी तो परपेंडिकुलर है, बट किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए डी के ऊपर है. तो ए डी बेस हो सकता है, एफ सी हाइट हो सकती है. बट अगर बेस आप डी सी ले रहे हैं तो हाइट आपकी होगी ए ई, मतलब उसी बेस के ऊपर जो हाइट होगी उसी हाइट को आपको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है. तो मुझे यहाँ पे AD निकालना है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने पैलोग्राम का एरिया निकाला. अब एरिया निकालने के लिए मुझे बेस ऐसा लेना है, हाइट ऐसी लेनी है जो एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो. अब मैं आपको बोल रही थी कि DC अगर मैं बेस ले लूँ, बट DC इज नॉट गिवन हियर. तो AB ले लेते हैं, AB दिया है, ए इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, 90 डिग्री एंगल बना रही है. तो यहाँ पे बेस मैं ले रही हूँ ए बी एंड हाइट इज ए ई. ए बी इज 16 एंड दी हाइट इज 8, दैट इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द पैलोग्राम. बट क्वेश्चन में हमें एरिया नहीं निकालना, वी हैव टू फाइंड द साइड ए डी. ओके, तो वो भी निकल सकती है. अब आप देखिए ए डी कहाँ पे, ए डी ये है. तो अगेन मैंने क्या किया, मैंने फिर से फॉर्मूला लगाया एरिया ऑफ पैलोग्राम का. डैट इज बेस इनटू हाइट ओके. एरिया ऑफ पैलोग्राम मैं निकाल चुकी हूँ, 128 मेरे पास आ चुका है, निकाल लिया मैंने.
अब मैंने सोचा बेस ले लेते हैं एडी, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है एडी अगर बेस ले रहे हैं तो एफसी आपकी होगी हाइट. सो हियर एडी इज द बेस एंड सीएफ इज द हाइट. जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सीएफ की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 इस तरफ आपके पास डिवाइड हो जाएगी. सो इस तरह आपके पास एडी की वैल्यू आ जाएगी, डैट इज 12.8 सेंटीमीटर. एज एडी इज द साइड, एडी एक साइड है, तो यूनिट जो होंगे डैट इज इन सेंटीमीटर और मीटर. सो इस तरह से हम साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट इज मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम जो है डैट इज इन योर 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, वहाँ पे इस थ्योरम को बताया गया है. बट यहाँ पे भी क्वेश्चंस में हम ये यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना इसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मिड पॉइंट थ्योरम डैट इज रिलेटेड टू द ट्राइंगल, ट्राइंगल से रिलेटेड है. सो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम, इफ यू हैव अ ट्राइंगल एंड इन अ ट्राइंगल देर इज अ मिड पॉइंट इन टू साइड्स. मान लीजिए दिस इज ए बी सी, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी ये मिड पॉइंट है ई एंड एफ. ई एंड एफ आर द टू मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल. इस ट्राइंगल की दोनों साइड्स में ये क्या है, मिड पॉइंट है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम कि इन दोनों मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी दैट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल. वो पैरेलल होगी थर्ड साइड किसकी, ट्राइंगल की. आल्सो दिस लाइन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. दैट मीन्स ई एफ जो है वो पैरेलल होगी बी सी के थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल. आल्सो दिस साइड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द बी सी, इस लाइन का हाफ भी होगी. दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम. अ लाइन सेगमेंट दैट पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल दैट विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल. आल्सो दैट विल बी हाफ टू द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल. ठीक है, तो बहुत सिंपल है. ट्राइंगल में अगर आपके पास दो साइड्स हैं जिनके मिड पॉइंट्स आपको पता हैं, तो उन दोनों मिड पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, साथ ही साथ वो थर्ड साइड के हाफ होगी. सो दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम, इसे हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में इसे हम यूज करेंगे. इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैलोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. कह रहे हैं कि अगर एक ट्राइंगल और एक पैलोग्राम आर ऑन द सेम बेस, दोनों सेम बेस में हैं, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस हैं, तब क्या होगा, देख लेते हैं तब क्या होगा. दिस इज ए पैरेललोग्राम, यहाँ पे ये ट्राइंगल ले लेते हैं. दिस इज ए बी सी डी ई. सो व्हेन ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैविंग द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपका जो ट्राइंगल का एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अभी तक हमने एक थ्योरम की थी जिसके अकॉर्डिंग अगर दो पैरेललोग्राम्स हैं, उन दोनों पैरेललोग्राम्स का बेस सेम है एंड दे आर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, तो उन दोनों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा. बट नाउ इन दिस थ्योरम इफ अ ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, then the area of the triangle is equal to the half of the area of the parallelogram. Triangle का जो area होगा वो
हाफ होगा पैरेललोग्राम के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों का बेस सेम है डीसी, और बेस के ऑपोजिट सभी वर्टिसेस आर ऑन द सेम पैरेलल लाइंस, दैट मींस दे आर लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल्स। सो हियर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ ई एफ जी एच आर एच सॉरी ई एफ जी एच आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट द एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो चलिए सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यहां पे मिड पॉइंट्स की बात है, चलो मिड पॉइंट्स ले लेते हैं सबसे पहले, तो इनको नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, दिस इज द पैरेललोग्राम। अब बोल रहे हैं कि ई एफ जी एच जो हैं वो मिड पॉइंट्स हैं साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के, तो यहाँ पे फोर साइड्स हैं उन सभी के मिड पॉइंट्स हम लिख लेते हैं ई एफ जी एच, तो ये मिड पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ई एफ जी एच, अब ई एफ जी एच कहाँ है, सो दिस इज द ई एफ जी एच एंड वी हैव टू प्रूव कि इस ई एफ जी एच का एरिया जो है डैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ए बी सी डी, इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन इज जो भी आपको लाइन में दिया है, फर्स्ट लाइन में ई एफ जी एंड एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। टू प्रूव में आप वो चीज लिखेंगे जो आपको शो करनी है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। सो हियर स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे होंगी, तो उसके लिए सबसे पहले एच एफ को ज्वाइन करेंगे, डीसी को ज्वाइन करेंगे सॉरी डीबी, तो मैंने यहाँ पे दो लाइंस को ज्वाइन किया है, तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे ज्वाइन एच एफ एंड डीबी। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन एच एफ एंड डी बी, ओके दोनों को ज्वाइन कर लिया आपने। एच एफ एंड डी बी स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सो हियर सबसे पहले आप ट्राइंगल लेंगे बी डी सी, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल की बात कर रही हूं। सो इन दिस ट्राइंगल जी एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स, हमने स्टार्टिंग में जी एफ और ई एच मिड पॉइंट्स लिए थे, तो यहां पे जी और एफ जो है मिड पॉइंट्स हैं, and this is a triangle DBC, so the line joining the midpoints of the sides of a triangle that is parallel to the third side, वो थर्ड साइड के parallel होगी, यहाँ भी हमने मिड पॉइंट थ्योरम में किया था, तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा जी एफ इज parallel टू दी डी बी। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी एफ सॉरी डी बी सी, ठीक है। अब यहां पे मिड पॉइंट्स आपने लिए थे जी एंड एफ, सो यू विल राइट
G and F are the midpoints of side G कहाँ पे है DC के B sorry F किसका मिड पॉइंट है BC के सो DC एंड BC रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि G मिड पॉइंट होगा DC का F मिड पॉइंट होगा BC का तो यहाँ से रिजल्ट हमारा ये निकला था कि जो जी एफ है ये लाइन जो है जो दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है डैट विल पैरेलल टू दी वो किसके पैरेलल होगी थर्ड साइड के ट्राइंगल की थर्ड साइड डैट इज डी बी डी बी के पैरेलल होगी साथ ही साथ आपकी जी एफ जो होगी डैट इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ द डी बी ये भी हमने रिजल्ट मिड पॉइंट में ही पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम मेंशन जरूर करेंगे और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन वन दिस इज द इक्वेशन वन ठीक है जिस तरह से ट्राइंगल डी बी सी लिया था इसी तरह आप ट्राइंगल लेंगे ए बी डी ए बी डी ट्राइंगल लेंगे अब यहाँ पे भी आपका एच और ई जो है वो मिड पॉइंट हैं डैट मीन्स एच ई विल पैरेलल टू द डी बी एंड एच ई इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डी बी पहले हमने ये ट्राइंगल लिया था उसके बाद हम ये ट्राइंगल लेंगे और सेम वही स्टेप फॉलो करेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एच एंड ई आर द टू मिड पॉइंट्स ऑफ साइड एच आपका मिड पॉइंट था ए डी का और ई आपका था ए बी का तो यहाँ पे लिखेंगे ए डी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली ओके सेम वही स्टेप चलेंगे अब एच एंड ई एच ई दैट विल पैरेलल टू द डी बी Similarly, H E is equal to the half of the D B. Again, midpoint theorem, equation 2. दोनों से हमने ये result निकाला from 1 and 2. दोनों equation से result जो है हमारे पास ये आ रहा है कि पीछे भी equation 1 में ये line parallel है D B के Also, this is equal to the half of the DB. यहाँ पे भी ये DB के पैरेलल है and this is equal to the half of the DB. That means दोनों ही जो लाइन है GF और HE, ये भी आपस में क्या होंगी पैरेलल होंगी Because GF आपकी DB के पैरेलल थी ये भी DB के पैरेलल थी That means ये आपस में भी क्या है पैरेलल हैं Also, GF इज इक्वल टू दी एच ई ये दोनों इक्वल भी होंगी क्योंकि जी एफ जो थी वो हाफ ऑफ द डी बी के इक्वल थी एच ई वो भी हाफ ऑफ द डी बी के इक्वल है तो दोनों आपस में भी क्या होंगी इक्वल होंगी तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट ये निकलता है ई एफ जी एच इज ए पैरेललोग्राम ये क्या है पैरेललोग्राम है कैसे देखते हैं हमने अभी प्रूफ किया कि आपकी ये साइड जो है ये इसके पैरेलल है और इसके इक्वल भी है ये दोनों साइड जो हैं ई एच एंड एफ जी ई एच एंड एफ जी दे आर इक्वल एंड दे आर पैरेलल सो दिस इज़ ए पैरेललोग्राम बिकॉज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल तो रीज़न आप ज़रूर देंगे बिकॉज It is necessary. Opposite sides of parallelogram are equal and parallel.
ओके तो यहाँ से अभी तक हमारा जो क्वेश्चन है वो हाफ हुआ है, समझ लीजिए पार्ट वन किया अभी हमने। पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे फिगर फिर से बना लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है, बार बार पीछे जा रहे हैं। सो हियर A, B, C, D, E, F, G, H, ओके रिकंस्ट्रक्शन हमने की थी। ओके सो नाउ इन सेकेंड पार्ट, ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता है ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है बिकॉज दिस इज द साइड ऑफ द पैरेलल एंड दी अपोजिट साइज आर इक्वल एंड पैरेलल, तो मैंने ए डी पैरेलल बी सी ये लिख दिया। अगर ए डी बी सी के पैरेलल है डैट मीन्स एच डी भी क्या है, वो भी किसके पैरेलल है, एफ सी के पैरेलल है। ऑब्वियसली अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो उनका हाफ भी पैरेलल ही होगा। सो हियर दिस इम्प्लाइज एच डी एफ सी इज ए पैरेललोग्राम, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से मैंने ये जो पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है ये लिख लिया मैंने। नाउ अगर आप देख रहे हैं एच एफ आपका बेस है और इसी बेस के ऊपर आपका ट्रायंगल भी बन रहा है और इसी बेस के ऊपर ये पैरेललोग्राम भी बन रहा है। पैरेललोग्राम एच डी एफ सी एंड ट्राइंगल एच एफ जी आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल और पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज एच एफ जी, ठीक है, ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एच एफ बी सी, वो इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। तो चलिए इसे संभाल के रख लेते हैं, इक्वेशन वन एंड टू एंड दिस इज थ्री, ठीक है। सिमिलरली आप जो ऊपर आपको एक पैरेललोग्राम दिया है ये भी आप लेके चलेंगे, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में हम पहले ये ट्रायंगल लेके गए थे, फिर सेकंड ट्रायंगल के लिए भी हमने वही स्टेप फॉलो किए, यहाँ पे भी ऐसा ही है। पहले हमने ये ले लिया पैरेललोग्राम और इसके अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है वहाँ से इक्वेशन थ्री बना ली। सिमिलरली अब आप पैरेललोग्राम लेके चलेंगे ए बी डी एफ, ए बी एच एफ, पैरेललोग्राम ए बी एच एफ एंड ट्राइंगल एच ई एफ आर ऑन द सेम बेस के ऊपर बन रहे हैं। बेस आप मेंशन कर सकते हैं and between the same parallel lines therefore area of HEF that will equal to the half of the area of ABHF, इसको equation दे देंगे four, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या किया, ये भी इसी बेस के ऊपर आपका ये पैरेललोग्राम बन रहा था, इसी बेस के ऊपर आपके पास ये ट्रायंगल भी बन रहा था, वर्टिसेस जो हैं ऑपोजिट टू द बेस वो भी ऑन द सेम लाइन है, दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस,
डैट मीन्स इन दो जो आपका ट्राइंगल है एच ई एफ उसका जो एरिया होगा डैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी एच एफ. तो यहाँ से हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ. तो जब भी इक्वेशन को ऐड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो आप देखिए जब ये जो नीचे ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल में जब इक्वेशन फोर का ये ट्राइंगल ऐड कर रही हूँ तो आपके पास क्या बन रहा है ई एफ जी एच. आपके पास ये चीज़ बन रही है तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ई एफ जी एच जब हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर रहे हैं. सिमिलरली जब आप राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो नीचे जो पैलोग्राम था ये राइट हैंड साइड में यही पैलोग्राम था राइट हैंड साइड इक्वेशन थर्ड. इसमें जब आप फोर्थ इक्वेशन का पैलोग्राम ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है आपके पास एच एफ डी सी में जब आप ए बी एच एफ को ऐड कर रहे हैं इट विल बी ए बी सी डी. क्या बन रहा है ए बी सी डी. तो अब आप बोलेंगे यहाँ पे हाफ भी तो लगा है. तो देखिए बेटा जब आपने हाफ ऑफ द एरिया एच एफ डी सी में आपने ऐड किया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी एच एफ तो हाफ कॉमन ले लीजिए और अंदर इन दोनों को ऐड कर लीजिए डैट इज ए बी सी डी. तो यही चीज़ आपकी बनी. यही रिजल्ट आपको शो करना था. तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन. आप इसकी लेंथ के ऊपर मत जाइए. ठीक है मानिए यहाँ पे दो तीन पेजेस यहाँ पे भर गए हैं बट स्टेप वही रिपीट हो रहे हैं. ट्रायंगल हमने सबसे पहले डी बी सी लिया था यहाँ पे वो जो स्टेप यूज़ किए वही स्टेप इस ट्रायंगल के लिए किए थे. इन दोनों ट्रायंगल के लिए जो स्टेप फॉलो किए वहाँ से ये रिजल्ट निकाला कि ये ई एफ जी एच इज़ ए पैलोग्राम. ये क्या है पैलोग्राम है. इन सेकेंड पार्ट आपने नीचे एच एफ डी सी इस पैलोग्राम को लेके चले. यहाँ पे आपको ये ट्रायंगल भी दिख रहा है जिसका बेस क्या है सेम है. इन दोनों का बेस सेम है एच एफ. एच एफ के ऊपर ही ये पैलोग्राम बन रहा है इसी के ऊपर ये ट्रायंगल भी बन रहा है. तो दोनों का बेस सेम है. दे आर लाइंग ऑन द बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस दैट मीन्स द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस पैलोग्राम. सिमिलरली इस पैलोग्राम और इस ट्रायंगल के लिए भी सेम स्टेप फॉलो किया आपने और इन दोनों इक्वेशन को जब आपने ऐड किया तो जो आपने रिजल्ट शो करना था वो आपको मिल गया. तो चलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द साइड डी सी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी. एक पैलोग्राम की बात हो रही है चलो पैलोग्राम बना लिया जाए. नेक्स्ट पेज में ही बनाते हैं. पैलोग्राम मैंने यहां पे बना लिया है. कह रहे हैं P and Q are any two points lying on the side DC and AD. तो सबसे पहले तो नाम दे देते हैं A B C D. ये नाम दे दिया हमने यहाँ पे. कह रहे हैं कि आपकी जो साइड है DC and AD. डी सी के ऊपर पॉइंट है पी और ए डी के ऊपर पॉइंट है क्यू. तो डी सी पॉइंट देखते हैं डी सी दिस इज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया पी और ए डी के ऊपर पॉइंट ले लिया क्यू कोई भी.
जरूरी नहीं है दे आर मिड पॉइंट्स. तो आगे कह रहे हैं वी हैव टू शो एरिया ऑफ ए पी बी एंड डैट इज इक्वल टू बी क्यू सी. अब बनाते हैं ए पी बी कहाँ है. ए पी बी ये बन रहा आपके पास, ठीक है. बी क्यू सी ये है. सो दिस इज द फिगर, ठीक है. गिवन टू प्रूव आप लिख सकते हैं. यहाँ पे डायरेक्टली मैं कंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ. कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन ड्रॉ की डैट इज पैरेलल टू, जो एडी के पैरेलल है, ठीक है. एडी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसको नाम दे देते हैं ई. ई पी इज पैरेलल टू एडी. सिमिलरली यहां पे भी एक लाइन मैंने ड्रॉ की, इसको एफ दे देते हैं, ठीक है. यहां पे मैंने क्यू एफ ड्रॉ किया डैट इज पैरेलल टू डी सी. क्यू एफ आपने ड्रॉ करना है पैरेलल टू डी सी, ओके. क्यू एफ इज पैरेलल टू डी सी. चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. यहां पे सबसे पहले आप पार्ट लेके चलिए ए ई डी पी. इस पार्ट को लीजिए. अगर मैं इस पार्ट को अलग से बनाऊं ए ई डी पी, ठीक है. वैसे आपको समझाने के लिए अलग से बना दिया. इन पैरेललोग्राम ए ई डी पी, ए ई डी पी में अगर आप देखेंगे सेम ही बेस के ऊपर ये पैरेललोग्राम बन रहा है. इसी बेस के ऊपर आपका ट्रायंगल भी बन रहा है, देख सकते हैं आप. ये ए ई पी, ए ई डी पी एंड ट्राइंगल ए ई पी आर ऑन द सेम बेस. बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस तो यहां से आपके पास क्या रिजल्ट निकलता है कि एरिया ऑफ ए ई पी इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए ई डी पी. कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है डैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेलोग्राम बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. इसको इक्वेशन देंगे वन. सिमिलरली जैसे ये स्टेप फॉलो किए, आगे ही तीन स्टेप फॉलो करने हैं बिल्कुल सेम. अब आप लेंगे पैरेलोग्राम ई बी पी सी. अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ई बी पी सी. ई बी पी सी पैरेलोग्राम है. इसी के ऊपर अगर आप देखें आपको ट्राइंगल दिखेगा ई पी बी. ये ट्राइंगल, ट्राइंगल और पैरेलोग्राम का बेस सेम है ई बी. इसी बेस के ऊपर ये पैरेलोग्राम भी बन रहा है, इसी बेस के ऊपर आपका ट्राइंगल भी बन रहा है ई पी बी. ट्राइंगल ई पी बी लिखेंगे सेम बेस एंड लाइन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस. देयरफॉर एरिया ऑफ ई पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ई बी पी सी. चलिए इसको इक्वेशन दे दें टू. एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को ऐड कर लीजिए तो देखेंगे जब आपने दोनों ट्राइंगल्स को लेफ्ट हैंड साइड की ट्राइंगल्स को ऐड किया. पहला आपका ट्राइंगल ये था, पहला ट्राइंगल आपका ये था, ओके. इस ट्राइंगल में जब आपने आपने ई बी पी ऐड किया तो क्या बन गया, ट्राइंगल ए पी बी, यही बना. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए पी बी. लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करने के बाद यही ट्राइंगल बना था ए पी बी. राइट हैंड साइड के पैरेलोग्राम्स को अगर आप ऐड करोगे ये और ये, खुद ही देखो ए ई डी पी में जब आप ई बी पी सी ये पूरा ऐड कर रहे हैं, पूरा पैरेलोग्राम बन रहा है ए बी सी डी. तो लिखेंगे एरिया ऑफ
ए बी सी डी, इसको रिजल्ट लिख देंगे 3। चलिए संभाल के रख लेंगे। अब आप लेके चलेंगे इस पैरेललोग्राम को क्यू पी डी सी। क्यू पी डी सी में आपको ट्राइंगल क्यू पी सी भी दिखाई दे रहा है, जैसे हमने वर्टिकली पैरेललोग्राम लिए थे, अब आपने हॉरिजॉन्टली पैरेललोग्राम लेने हैं इस तरह से। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं क्यू एफ, दिस इज एफ, क्यू एफ डी सी दिस इज ए पैरेललोग्राम, एंड क्यू एफ सी दिस इज ए ट्राइंगल, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो लिखेंगे क्यू एफ डी सी पैरेललोग्राम, शॉर्ट में मैं यहाँ लिख रही हूँ। ट्राइंगल आपके पास क्या था, क्यू एफ सी, ठीक है। तो आपने एरिया क्या लिखा, क्यू एफ सी डैट इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ दी एरिया ऑफ क्यू एफ डी सी। चलिए इसको इक्वेशन दे देते हैं 4। अब इसी तरह से नेक्स्ट पैरेललोग्राम लेंगे आप, जो ऊपर है ए बी क्यू एफ। ए बी क्यू एफ पैरेललोग्राम में ट्राइंगल बी क्यू एफ भी दिख रहा है, जो सेम बेस के ऊपर बन रहा है, इसी के ऊपर ये पैरेललोग्राम भी बन रहा है, इसी के ऊपर ये पैरेललोग्राम भी सॉरी ट्राइंगल भी बन रहा है। ए बी क्यू एफ एंड बी क्यू एफ, ए बी क्यू एफ पैरेललोग्राम है एंड ट्राइंगल बी क्यू एफ। चलिए तो यहां से इक्वेशन आपकी बनती है एरिया ऑफ बी क्यू एफ डैट इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ दी एरिया ऑफ ए बी क्यू एफ, इक्वेशन 5। सेम ऐड करेंगे, एडिंग 4 and 5, जब दोनों को ऐड किया, खुद ही देखिए जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इस ट्राइंगल को आप जब इस ट्राइंगल में ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा ट्राइंगल बन रहा है बी क्यू सी, और जब आप इस पूरे पैरेललोग्राम में ये पूरा पैरेललोग्राम ऐड कर रहे हैं, ये होल पैरेललोग्राम बन रहा है ए बी सी डी। सो एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू दी हाफ ऑफ दी एरिया ऑफ ए बी सी डी, दिस इज इक्वेशन 6। एक इक्वेशन आपने पहले भी संभाल के रखी है, ये इस इक्वेशन में भी ये ट्राइंगल जो है पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है। इस इक्वेशन में भी अगर आप देखेंगे ये ट्राइंगल पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल है, हाफ आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे हाफ आएगा, बिकॉज जब हम इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, सो हाफ जो है पीछे भी हाफ है उनको कॉमन लेंगे तो 1/2 AR ये आएगा। तो देखिए इक्वेशन 3 में भी ये ट्राइंगल इसके इक्वल है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी के, यहाँ पे भी ये ट्राइंगल इसके एरिया के इक्वल है। सो दैट मीन्स एरिया ऑफ बी क्यू सी, ये ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो भी किसके इक्वल होगा, ए पी बी के इक्वल। और यही रिजल्ट हमें शो करना था। तो बहुत सिंपल था, ठीक है, ये ट्राइंगल भी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी के इक्वल था, और लास्ट में जो इक्वेशन हमने बनाई उसमें भी ये ट्राइंगल जो दूसरा ट्राइंगल था वो भी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ सॉरी ये हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी के इक्वल है। तो यहाँ से ये रिजल्ट निकलेगा, जब दोनों ही ट्राइंगल इसके एरिया के इक्वल हैं, डैट मीन्स ये आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। लेंथी ज़रूर है बट स्टेप वही फॉलो हो रहे हैं। अगर आप एक स्टेप अगर आपको पता चल गया, सो बाकी की जितने भी इक्वेशन है 6 तक वो अपने आप ही बनेंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।